खातून रुकन के मुस्तफी होने के बाद इसराइली हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सरियत खो बैठी। इसराइली रुकन पार्लियामेंट गरीदा रिनावी ओहदे से मुस्तफी हो गई, जिसके बाद एक मरतबा फिर इसराइल में आम इंतखाबात का मैदान सजने का इम्कान बढ़ गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली बाएं बाजू की जमात मेरठ से तल्लक रखने वाली खातून पार्लियामेंट गीदा रनावी ने मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर इसराइली फोर्सेस के तशद्दद और खातून सहाफी शिरीन अबू अकला की बहिमाना मौत पर अजहार अफसोस करते हुए असेंबली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। खातून पार्लियामेंट ने इसराइली वजीर आजम और वजीर खारजा को भेजे गए खत में अपने मुस्तफी होने के मतलब बताया। हुकूमत के बाएं बाजू की जमात की गिरफ्त मजबूत होने और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। रुकन पार्लियामेंट के मुस्तफी होने से वजीर आजम नफ्ताली बेनेट की हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सरियत खो बैठी है। गीदा रनावी की पार्लियामेंट रुकनियत से इस्तीफा देने के बाद इसराइल की मौजूदा इतिहादी हुकूमत कुल 120 में से सिर्फ 59 अरकान की हमायत हासिल है।